नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा। बिहार में यह विषय यानी नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या 4 लाख है, इनका मांग हो गया कि इनको आप सरकारी शिक्षक का दर्जा दें। ये मांग के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और स्वाभाविक है कि ये आंदोलन से सरकार सहम गई, डर गई, घबरा गई। स्वाभाविक है, संख्या भी 4 लाख है और इसके पहले भी इन शिक्षकों ने सरकार को कटघरे में खराब कर दिया था, तब जाकर इनका एक वेतनमान ये बनाए थे। लाचारी में वो भी वेतनमान हुआ था। इसमें भी जब ये बीपीएससी से शिक्षक की बहाली कर लिए हैं तो यहां भी ये शिक्षकों की संख्या 4 लाख, नियोजित शिक्षकों के लिए एक नियमावली सरकार के शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब जब नियमावली तैयार हो गया तो स्वाभाविक है कि कैबिनेट से उसकी मंजूरी ली जाएगी और जब कैबिनेट से मंजूर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो सरकारी हो गया। अब उसके बाद उसमें इन्होंने एक रखा है कि 4 लाख जो शिक्षक हैं ये सभी सक्षमता परीक्षा देंगे, मानी एक तरह का टेस्ट है, वो परीक्षा में इनको बैठना पड़ेगा। ये सभी शिक्षकों को ये परीक्षा 3 बार इनको देना होगा। ठीक है, 3 बार देना होगा और इस बीच में शिक्षा विभाग ने ये सुझाव मांगा था कि आप जो बिहार की जनता हैं, शिक्षक हैं, अगर ये जो हम नियम बना रहे हैं नियमावली, अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भेजिए, जिसमें ये विशिष्ट शिक्षक एक शब्द का प्रयोग किए थे। जैसे ये नियोजित, ये भी शब्द का प्रयोग है, शिक्षा मित्र ये भी शब्द का प्रयोग है, सरकार है उसके बैठे जो पदाधिकारी हैं कोई शब्द एक प्रयोग कर दिए। तो अब ये विशिष्ट शिक्षकों ने कहा और जो भी सरकार के पास मेल आए उसमें कहा गया कि विशिष्ट शब्द जो है वो हटाए, वो अच्छा नहीं लगता है, इसको हटाइए। और स्वाभाविक है कि सरकार इस पर विचार की है। अब और उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा कि जब ये सक्षमता की परीक्षा पास कर लेंगे, पास करने पर इन शिक्षकों का, ये 4 लाख शिक्षकों का अपना जिला संवर्ग हो जाएगा, यानी वो पूरे जिले के लिए शिक्षक हो जाएंगे। जैसे अभी ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में, प्रखंड में बहुत 8-10 प्रकार का इनका बंटवारा बिहार सरकार ने करके रखा है, तो उसको एक जिला संवर्ग के शिक्षक के रूप में, यानी जो ये अभी सोच रहे हैं कि हम उन्हें जिला संवर्ग में ले आएंगे, तो सरकार का ये निर्णय आने वाले दिन में होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा छोटा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।